विवाह पंचमी आ रही है, सौभाग्यवती स्त्रियों को भगवान राम और भगवान माता सीता जी का विवाह उत्सव करना चाहिए। और विवाह पंचमी का बड़ा महत्व, जिस प्रकार दीपावली के पश्चात सुहाग पर्व होती है, उसी प्रकार इसका महत्व कहा गया है। उस दिन सुहागन स्त्रियां घर घर जाती हैं, आपस में सुहाग बांटती हैं, उसी प्रकार इसका भी आयोजन किया जाता है। इसी दिन माघ शीर्ष में पंचमी के दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है और यहाँ पर भगवान राम और मैया सीता का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जो मुख्य प्रमुख भगवान राम जी के मंदिर है, जैसे ओरछा अयोध्या मंदिर है, अयोध्या वासी है, ओरछा वासी है, भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं। इस विवाह उपलक्ष्य पर व्रत भी किया जाता है और भगवान राम और मैया सीता का विवाह होता है। उत्सव में अनेक प्रकार के विवाहित गीत बनने गाए जाते हैं, विवाहित गीत गाए जाते हैं और चौकी सजा करके माता सीता और भगवान राम का विवाह करवाया जाता है। और इस विवाह करवाने का भी बड़ा महत्व कहा गया है कि इस विवाह करवाने से तथा भगवान राम जी और मैया सीता का पूजन करने से इस दिन मैया सीता और भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं और सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और उनका सौभाग्य भगवान श्री राम जी के तरह होता है और पारिवारिक सुख में की प्राप्ति होती है। और इसी दिन माता भगवान राम और माता सीता का विवाह करना चाहिए। उसका मुख्य पूजन निम्न अनुसार करना चाहिए, जो कहा गया है कि एक पटा लगाना चाहिए, चौक पूरना चाहिए, जिस प्रकार एक दूल्हे का चौक पूरा जाता है, दुल्हन का चौक पूरा जाता है, उसी प्रकार एक चौक पूरना चाहिए हल्दी चंदन का। और माता सीता को हल्दी लगाना चाहिए, भगवान राम को हल्दी आदि मेहंदी लगाना अर्पित करके लाल वस्त्र पर उनको विराजमान, लाल आसन पर विराजमान करके चंदन की चौकी होते चंदन की चौकी पर विराजमान, आम की चौकी होते आम की चौकी पर विराजमान करें और बड़े ही प्रेम से भगवान मैया सीता और भगवान राम का विवाह उत्सव का सारी तैयारी करना चाहिए। कहीं जगह जगह तो बड़े स्तर पर पूजन किया जाता है, परंतु लोगों को अपने घर में भी पूजन करना चाहिए। कि मुख्यतः इसमें कहा गया है कि सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य की जितनी वस्तु होती है, श्रृंगार की वस्तु होती है, सारी सौभाग्य की वस्तु सौभाग्य सारी महिलाओं को देना चाहिए और उनका दान आदि करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार जितनी महिलाओं को अपन दे सके उतनी महिलाओं को देना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा सुहाग है उस प्रकार आपका भी सुहाग बना रहे, क्योंकि आप परोपकार करोगे तो आपका ही परोपकार होगा। इसी प्रकार भगवान राम का कहा गया है।